कि लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, हम लोग शांत पूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे। और पता नहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कौन एडवाइजर है, किस तरह का सुझाव देते हैं। 700 आदमी की आहुति देने के बाद भी उनको महसूस हुआ ये बात गलत है। आज ये जिससे कोई परहेज नहीं है, देश के सवाल पर एक होना चाहिए। चुनाव अगर अलग भी जिनको लड़ना होगा वो अपना लड़ लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मेरे साथ हैं। आज दिल्ली में आप लोग आए हुए थे सर, और अग्निपथ योजना के विरोध में आप लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आपको सरकार से उम्मीद है कि वापस लेगी अग्निपथ योजना? हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, हम लोग शांत पूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे। अच्छा, और हम लोग इस बात को महसूस किए हैं 4-5 दिन में, जिस तरह से पूरा देश जी धू धू करके जल रहा है जी, इस अग्निपथ योजना में जी। मैं समझता हूँ ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और पता नहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कौन एडवाइजर है, किस तरह का सुझाव देते हैं। एक बार सालों साल तक किसान बिल ला करके जी उन्होंने देश को जलाने का काम किया। 700 आदमी की आहुति देने के बाद भी उनको महसूस हुआ ये बात गलत है। इसी तरह से अग्निपथ पर जो चल रहे हैं, सभी लोग पथ पर निकल चुके हैं उनका विरोध करने के लिए जी। और हम समझते हैं इसका रियल कुछ भी नहीं निकलेगा, सिर्फ नुकसान के चलते अलावा। तो मैं समझता हूँ, जो आप देखिए, हम लोग तो उन नौजवानों के भविष्य के लिए चिंतित हैं जी, और उनके साथ हैं। आंदोलन तो वही लोग कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से वही लोग कर रहे हैं जिनको कि 2-3 साल से जो अपनी तैयारी कर रहे थे, अब हुआ तब हुआ। कोरोना में उनको 2 साल और विलम्ब हुआ, अब 4 साल के विलम्ब के बाद तब उनको जो एक आइडिया बताया गया है, एक क्राइटेरिया बताया गया है, उनसे लगता है कि मेरा भविष्य समाप्त हो गया। और जब लोग को लगता है कि मेरा भविष्य अब है ही नहीं कोई भी चीज़ में, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे बिजनेस में हो, तब लोग एजिटेट होता है, और वही एजिटेशन का कारण है। देखिए, अब RJD राजभवन मार्च करेगी 22 तारीख को, क्या आप लोग भी RJD के साथ राजभवन विरोध में जाइएगा? हम लोग तो आज भी किए हैं, कल भी था यहाँ, उस बार हम लोग आपको परसों जी बिहार प्रदर्शन लोगों ने किया, प्रदर्शन में हम लोग थे जी, हम लोग जाना चाहते थे, फिर रोक दिया रास्ते में, कहा 2 दिन बंद है। तो हम लोग का हर एक कार्यक्रम अभी सेपरेट चल रहा है, लेकिन RJD से कोई परहेज नहीं है जी। जो भी लोग उनके समर्थन में काम करना चाहेंगे जी, हम लोग उनसे भी सहानुभूति रखते हैं, और उनके साथ भी एजिटेशन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। राजभवन जाने के लिए आप लोगों को न्योता भेजा गया है RJD की ओर से? नहीं, अभी तक हम लोग को इस बारे में, वो लोग जानते हैं हम लोग यहाँ हैं जी। अब जाएंगे, अब कौन लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तक राजभवन के बारे में हम लोग को नहीं खबर। क्या आज के समय में पूरा विपक्ष को एक होने की ज़रूरत है, जिस तरीके से आप लोग लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? निश्चित रूप से विपक्ष को एक होना ही चाहिए जी, चुनावी माहौल जो हो जी। हम चुनावी संभावना पर नहीं विचार कर रहे हैं, आज देश के संभावना पर हम विचार करते हुए बता रहे हैं कि आज देश को आवश्यकता है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी लोग यूनाइटेडली संघर्ष करें। RJD को से भी आप निवेदन कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि एक साथ होइए? RJD तो मेरा पुराना महागठबंधन का साथी है ही, लेकिन मैं उन लोग नहीं, आपको मैंने क्या कहा कि चुनावी की बात छोड़ दीजिए, आज चुनाव का जो देखता है वो उससे मेरा कोई मतलब नहीं जी। चुनाव में मेरा RJD से गठबंधन हुआ या नहीं, जिससे हुआ या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। आज देश का सवाल है, देश के सवाल पर एक होना चाहिए। चुनाव अगर अलग भी जिनको लड़ना होगा वो अपना लड़ लें। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।